So throughout our journey, we are saying human beings journey, हमारी जो मनुष्य की यात्रा है शुरू से, उसमें क्या ढूंढा गया, लोगों ने क्या देखा और क्या वो ढूंढते रहे हैं, एंड वेयर डिड दे एग्री, किस चीज पे एग्री किया। तो आप कहीं से भी देखो, दो चीजें सामने आएंगी कि मनुष्य अपने आप को जानना चाहता है कि वो है कौन, और दूसरा जो कौन है उसको क्या चाहिए। तो इसको आप किसी तरह से देखो, बहुत सारी दृष्टियां, उसको हमेशा एक समय पे एक दृष्टि चाहिए होती है कि हम संसार को कैसे देखें, वही उसका विवेक है। अगर वो उसके पास वो विवेक, उसको शब्द दिया गया, उसको दृष्टि कहा गया, दोनों ही बातें ठीक है, लेकिन उसको एक सर्टेनिटी चाहिए कि इससे देख के, ताकि वो अपने कंसाइंस को, कॉन्शियसनेस को, सबको संतुष्ट कर सके कि हाँ, ये जो मैं स्टेप ले रहा हूँ व्यवहार में, ये सही है। दैट कन्विंसिंग इज नीडेड, दैट सेटिस्फैक्शन इज नीडेड। इसको लेके ही सारी यात्राएं हुई हैं। तो कैसे कैसे लोगों ने यात्राएं की, किसी ने कहा कि चलो हम साइंस की दृष्टि से अपना इतिहास देखते हैं। सो इवोल्यूशन की हिस्ट्री आई, जो हमने सबने स्कूल में पढ़ी है, और जो रोज रोज नई नई खोजें हो रही हैं, तो और चीज़ें सामने निकल के आ रही हैं, न्यू थिंग्स आर कमिंग कि कैसे है। कभी कहा जाता है कि बिग बैंग हुआ, कभी कहा जाता है नहीं हुआ, तो वहाँ भी रिसर्च ही चल रही है, दे आर जस्ट ट्राइंग टू फिगर आउट कि क्या हुआ, वो भी एक दृष्टि है। फिर दूसरी दृष्टि, हम धर्मों की दृष्टि देते हैं, रिलीजन्स ने अपने तरह से देखा, हर एक धर्म ने एक एक किताब लिखी और उसमें क्या क्या कहा गया, यही कहा गया कि ऐसे ऐसे हमारी, दिस इज हाउ द जेनेसिस हैपेंड, जैसे हमारी उत्पत्ति हुई। और एक ही एक नहीं है, कुछ में तो इंडिक उसमें नॉलेज ट्रेडिशंस में तो बहुत सारे वो है इतिहास लिखे गए, जितने भी पुराण हैं वो एक तरह की इतिहास दृष्टियां हैं। तो और भी, जो किसी ने बायोलॉजिकल ग्राउंड से देखना शुरू किया तो उसने एक तरह का वो दिया व्यू, किसी ने देखा कि नहीं है तो मटेरियल्स की यात्रा है, केमिकल्स के थ्रू देखने की कोशिश की, उसने एक व्यू दिया सब। फिर किसी ने फिजिक्स, एस्ट्रोफिजिक्स के थ्रू देखने की कोशिश किया, सब ने एक एक अपना स्पेशलाइज्ड व्यू दिया और फिर उस पर काम होता गया। लेकिन सब करना क्या चाहते थे, क्या फायदा है उसका करने का, क्या क्या है ड्राइव उसके पीछे करने की। तो फिर बात वहीं की वहीं आ जाती है कि एक तो वो जो मनुष्य है, उसको एक तो सर्वाइवल, जो उसकी बेसिक नीड्स है वो पूरी होने के बाद, वो उसको और जानना चाह रहा है, क्योंकि वो अभी भी ये पजल सॉल्व नहीं कर पाया कि वो आखिर है कौन। क्यों नहीं कर पाया, क्योंकि इतने सारे लोगों ने अपने व्यूज दे दिए कि ऐसा है मनुष्य, ऐसा है। कोई भी, जैसे कोई सोशियोलॉजिस्ट आया, उसने एक व्यू दिया, कोई पॉलिटिकल थॉट लेके आया, उसने एक व्यू दिया, उसने कहा मनुष्य बहुत ही अच्छा है। दूसरा आया, उसने तुरंत पूरा पलट दिया, उसने बोला नहीं नहीं ये तो बुराइयों का पुतला है, इसको किसी तरह से कंट्रोल में करो। अब दोनों चीज़ें हमने पढ़ ली स्कूल में, तो हम क्या बोलेंगे, मनुष्य अच्छा है कि बुरा है, तो तय नहीं हुआ। तो ऐसे करके सारी दृष्टियां चलती चली आ रही हैं, अभी भी इवॉल्व हो रही हैं। तो ये कुछ रिलीजन की दृष्टियां हैं, कुछ इतिहास की दृष्टियां हैं। हमारे यहाँ क्या हुआ भारत में, कि यहाँ पे एक दृष्टि चली जो सबसे विलग थी, यहाँ पे आध्यात्मिक दृष्टि चली। आध्यात्मिक दृष्टि में क्या अंतर है बाकी लोगों से, इन्होंने कुछ करना नहीं चाहा, इन्होंने सब देखना चाहता रियल में कि वास्तव में है क्या, और कैन दिस बी ट्रांसफर टू अदर्स। सबका वही है, सारे नॉलेज ट्रेडिशंस के लेवल भिन्न है, पर करते ही रहे हैं ना कि जो भी ज्ञान प्राप्त हुआ उसको नेक्स्ट जनरेशन को ट्रांसफर करना कि देखो यहाँ तक अभी हमें पता चला, आगे अब आप संभालो, अब तक का हमने ये जाना। तो यहाँ पे लोगों ने एक चीज पाई, इसलिए ये इस अर्थ में जब कहा जाता है कि हमारे ऊपर बहुत बड़ा दायित्व है, वी हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो ये क्यों है ये भाव, सारे लोग क्यों, हम ये क्यों, हमें ही क्यों है कि सारे विश्व का हमें, हमारे ऊपर ही है दारोमदार,
सब जन जन से आप भारत में पूछो, हर एक को ये जरा सा जो भी सेंसिबल हो कहेगा हमें लगता है हम ही रिस्पॉन्सिबल हैं दुनिया के लिए, हमें ही लोगों को विजन देना है, और वो किसी अहंकार की वजह से नहीं देना है। क्यों? क्योंकि यहाँ दृष्टि रही है, लोगों ने देखा कि वास्तव में हम कैसे हैं, हम कौन हैं। तो सबसे पहले वो एक चीज पे एकमत हुए जिन्होंने देखा, जिसको देखना बोलते हैं। देखने का मतलब है कि आप ट्रांसेंड कर गए जहां से आप पूरा देख सकते हैं। तो उसने पाया कि हम इटर्नल हैं, आई एम इटर्नल। एक चीज पे सारे लोग एकमत हुए, तो उन्होंने कहा आई एम आत्मा ब्रह्म या अमृतस्य पुत्रः वयम्, कि हम अमर हैं। हमने ये पाया कि हम, हमारा कुछ होता नहीं, हम अमर हैं। एक चीज पे सारे लोग सहमत हो गए कि आई एम इटर्नल। नाउ फिर लोगों ने फिगर आउट करना शुरू किया कि ठीक है, इटर्नल तो हम हो गए, एक हमारी प्राथमिकता तय हो गई, लेकिन उसके बाद क्या हमारा, क्योंकि ये भी कहा कि चेंज इज इटर्नल, परिवर्तन भी लगातार हो रहा है, तो इटर्नल का कौन सा पार्ट परिवर्तित नहीं हो रहा है और कौन सा पार्ट परिवर्तित हो रहा है, चेंज हो रहा है, इस पे डिस्कशन होना शुरू हुआ। और वो हर चीज में मिलेगा आपको, वैसा नहीं है जैसे कहीं भी आप एस्ट्रोफिजिक्स में देखो तो वो भी यही है, रोज रोज बदल रही है ना संकल्पना, किसी चीज पे एक पे टिक नहीं पा रहे हैं। टिके भी क्यों, सच्चाई ढूंढ रहे हैं, तो अगर उनको कल कुछ और मिलता है तो बोलेंगे कि आज हमें, कल ये मिला था, आज हमें ये मिला है। सो दे आर नॉट डिसऑनेस्ट। लेकिन आग्रह क्या है लोगों का कि नहीं, जो हम जान गए हैं वही सच है। तो ये जो आप डिसिप्लिन के थ्रू देखते हैं, मजे की बात यह है कि बोलते हैं उनको डिसिप्लिन ही है, जबकि है डिसिप्लिन वहां कहीं नहीं। तो वो खाली एक जानने की कि नहीं, हमने जो अभी तक जाना गया उससे जान लिया तो हमारी वो ज्यादा बड़ी हो गई, हमारी बात मान लो आप। क्योंकि अगर सच है तो उसमें ईगो तो खत्म ही हो जाती है, वो तो सच है तो सच है, उसमें ना तो किसी को कन्विंस करना है ना किसी से कुछ है, कोई मतलब ही नहीं है किसी से। तो ये जो चीजें दूसरे डिसिप्लिन से आई उनमें हमेशा उसको कहा कि नहीं यही परम सत्य है जो मिल गया, और दूसरे दिन कोई साइंटिस्ट आया उसने वो पलट के रख दिया और नहीं है। सारी पॉलिटिकल थ्योरीज देख लो आप, ऐसे ही इवॉल्व हुई हैं। एक थिंकर आया, दूसरे ने उसमें चेंज किया कि नहीं, जहां तक आपने देखा वो थोड़ा गलत देखा। आप मार्क्सिज्म को ले लो, देखो तो मार्क्स आए तो क्या, उन्होंने हीगल को पलट दिया पूरा, जो हीगल का जितना भी आदर्शवाद था उन्होंने कहा नहीं, बिना मैटर के तो इसका कहीं यूटिलाइजेशन ही नहीं है, ये तो खाली आइडिया रह जाएगा, तो उन्होंने वो बदल दिया। उस कहीं भी किसी भी चीज में देखो, सोशियोलॉजी में भी यही रहा है, रिलीजन में भी यही रहा है। रिलीजन में क्या होता है कि उसके साथ भय जुड़ जाता है, तो आप जो कोई भी आप देखो वो तो उनको भय जुड़ जाने से क्या होता है कि वो उसको ओपनली बोल नहीं पाते हैं कि ऐसा नहीं है। अदरवाइज इस देश में देखो जितने भी पीर पैगंबर जो भी आए, अवतार आए, उन सबने देखने ही को तो बताया ना कि हमने ऐसे देखा, ऐसा है ये। तो उससे ज्यादा अगर आप आगे इवॉल्व हो गए तो फिर आपको ये साहस होना चाहिए कि नहीं, जहां तक आपने देखा था उस समय वहां तक ठीक था, अब बात आगे बढ़ गई है, अब ऐसा दिख रहा है, अब ऐसा इवॉल्व हो चुका है। तो फिर अब जब इवॉल्व हो चुका है तो कोई मेथड होना चाहिए, कोई विधि होना चाहिए कि दूसरे भी देख सकें। तो इस तरह से हमेशा उस चीज को दृष्टि कहा गया कि एक समय की एक दृष्टि होती है। तो उस दृष्टि से अब जब आप देखेंगे तो जितने भी ग्रंथ हैं जिनमें किसी ने सच लिखा है, वो आज की दृष्टि से देखने से आपको पता चल जाएगा उनमें कहाँ कहाँ कितना कितना मॉडिफिकेशन की जरूरत है और कितना कितना वही का वही है। तो ये जो हमारी विशेषता है भारत की वो यही रही है। अगर वाल्मीकि ने रामायण लिखा, उसके बाद बहुत सारे लोगों ने लिखा, अच्छा ने लिखा, तुलसीदास जी ने लिखा, कंबन ने लिखा, तो वो बदला उन्होंने, बहुत सारे पोर्शन आउट कर दिए उन्होंने कि ये जो स्टोरी जो है उसमें अब ये इररिलेवेंट हो गया है, क्योंकि आज जो राम होगा वो वैसा नहीं होगा, हो नहीं सकता, बहुत सारी लाइफ स्टाइल चेंज हो गई, बिहेवियर चेंज हो गया लाइफ स्टाइल की वजह से, उन चीजें की जरूरत नहीं रही। तो फिर जिस चीज की जरूरत नहीं है जब वो आप करेंगे तो उसी को रिचुअल बोला जाता है, कि इट इज नॉट रिलेवेंट इन योर शैली और आपके लाइफ स्टाइल में उसकी जरूरत ही नहीं है, लेकिन आप कर रहे हो क्योंकि डर है आपको
कि हमारी किताब में तो ये लिखा है ऐसे करो तो हम हाथ ऐसे ही धोएंगे, अब जरूरत नहीं है, पानी है आपके पास पर्याप्त, क्या जरूरत है, आप ऐसे धो जैसे आज धोने की जरूरत है। तो चीजें बदल गई, तो वो भय उसके साथ जुड़ा हुआ है। तो भय और ज्ञान का मूल उद्देश्य ही है कि भय का निवारण करें। तो हमेशा इन चीजों पर हमें गौर करना चाहिए कि आज के समय में सहज स्मृति योग में और क्या कर रहे हैं हम सब। कितने बार हमने कहा है कि मूल चीज व्यवहार है, व्यवहार आप कैसे कर रहे हो और व्यवहार कैसे होता है, व्यवहार के लिए क्या चाहिए होता है, व्यवहार के लिए नॉलेज चाहिए आपको एक तो कि कैसे व्यवहार कर, दूसरा उस नॉलेज पे चलने का साहस चाहिए। तो व्यवहार में और चरित्र में क्या अंतर हो जाता है, कैसे चरित्र बनता है, जो व्यवहार आप एक तो उसमें आप एक नॉलेज मैंने बोला एक इंग्रेडिएंट है उसका, दूसरा इंग्रेडिएंट उसका है सेंसिटिविटी कि आप सेंसिटिव हो कि नहीं, आपके लिए वो मैकेनिकल तो नहीं बन गया। तीसरा एलिमेंट है वैल्यू, वैल्यू अगर आप सेंसिटिव नहीं हो तो वही वैल्यू आपको एडमेंट बना सकती है, और अगर आप सेंसिटिव हो तो वो वैल्यू आपके चरित्र का हिस्सा बन के लोगों को प्रकाश दिखा सकती है। तो सेंसिटिविटी के बिना वैल्यू और नॉलेज काम नहीं करता। तो व्यवहार चरित्र कैसे बनता है, जब हमें नॉलेज हो। तो नॉलेज हर चीज की इनग्रीडियंट, नॉलेज को उसी को हम कह रहे हैं विवेक, उसी को कह रहे हैं दृष्टि। तो बदली हुई परिस्थितियों में इस समय में कैसा व्यवहार करना चाहिए, इसके लिए सारे ज्ञानों की दृष्टियां इकट्ठी होती हैं, होनी चाहिए। जहां जहां ये नहीं होता है, जहां जहां आप स्वीकार नहीं करते जो कुछ हो रहा है उसको, तो आप जब फैक्ट ही नहीं स्वीकार कर रहे, तथ्य जो सामने हो गया हो रहा है उसको नहीं मान रहे हो, आप जब पीछे जा रहे हो, वो चीजें आप ले रहे हो जो चीजें रिलेवेंट ही नहीं रही, अप्रासंगिक हो गई है। तो जो हम कहते हैं प्रसंग का, इस अर्थ संदर्भ का और कॉन्टेक्स्ट एंड एग्जाम्पलाइज, प्रसंग और उदाहरण, इनका बड़ा महत्व है। और ये रामायण महाभारत में इतने अच्छे तरीके से मिलेंगे आपको कि हर चीज के लिए आपको उदाहरण मिल जाएगा। लेकिन अगर आपने उसी दृष्टि से देखते रहे जिससे देखा जा गया बहुत सालों पहले, तो आप यथार्थ नहीं देख पाओगे। इसलिए गुरु शिष्य परंपरा है कि किसी ने पूरा वैसे के वैसे देखा और कहा कि नहीं आज की परिस्थितियों में ये इस तरह का व्यवहार से वही चीज होगी, वही चीज आपको दिखाई देगी जो उस समय उस व्यवहार से दिखाई देती थी। तो ये तो रिलेवेंस है उनका, लेकिन रिफाइनमेंट चाहिए, जिसको हम कहते हैं ना मॉडरेशन रेगुलेशन चाहिए होता है ना, अलाइनमेंट, तीन चीज। तो वो हम जब वैसे करते हैं तो फिर हमें स्पष्टता आती जाती है। इन सारे से अब आज मतलब ऐसे ही देखो, सामान्य जीवन से आप घटना उठाओ। कल की बात है, वर्ल्ड बैंक में इन्हें एक गोष्ठी आयोजित की, द ऑर्गेनाइज्ड सीरीज ऑफ कन्वर्सेशन बिगेन इट, कुछ किया उन्होंने, शुरू किया। उसमें इंडियन प्राइम मिनिस्टर वॉज चीफ गेस्ट परहैप्स टू स्पीक। तो उसका टॉपिक क्या था, दैट्स वेयर आई एम सेइंग, उसका टॉपिक ये था कि कैसे बिहेवियरल चेंज लाएं कि क्लाइमेट चेंज को कर्टेल किया जा सके। तो अल्टीमेटली लोगों को वहीं आना पड़ रहा है कि इट इज ओनली योर बिहेवियर विच ड्राइव्स द वर्ल्ड। हमने तो उनको नहीं कहा, लेकिन कहीं से भी जाएंगे तो जो ये सहज स्मृति योग की यात्रा हम बोलते हैं कि तीन स्टेप की है, इंटेलेक्ट टू इंटेलिजेंस टू विजडम, तो इंटेलेक्चुअल चाहे जितना घूम ले उसको अल्टीमेटली उन्हीं चीजों पे आना पड़ेगा, क्योंकि ऑनेस्टी जहां होती है वहां एक्सेप्ट तो करना पड़ेगा कि ये ऐसा ही है। तो उनको ये बोलना पड़ा कि जब तक मास लेवल पे बिहेवियरल चेंज नहीं होगा तब तक कुछ नहीं हो सकता। तो प्रधानमंत्री ने हमारे एक बड़ी अच्छी बात कही उसमें कि अगर जैसे आप टेबल पे बैठ के तो कुछ निर्णय ले लेते हो, लेकिन जो आपके घर की डिनर टेबल है जब तक वहां बदलाव नहीं आ रहा है तब तक आप क्लाइमेट चेंज को बदल नहीं सकते। अगर उनके कहने का मतलब वही है कि जो हम कह रहे हैं प्योर फूड फॉर बॉडी,
क्योंकि प्योर फूड फॉर माइंड अगर आपने टेबल पे बैठ के दे सकते हो, हम किसी की ऑनेस्टी पे डाउट नहीं कर रहे हैं। ये नहीं कर रहे हैं कि वर्ल्ड के सारे लीडर्स डिसऑनेस्ट हैं, उन्हें मालूम है कि इन सॉल्यूशन से कुछ नहीं होने वाला है, खाली पैसा इधर से उधर होना है बस। हम नहीं कह रहे हैं, हम कह रहे हैं वो ऑनेस्टली सॉल्यूशन पाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज कैसे इसको स्टॉप करें। तो उन्होंने इस चीज़ को बोला कि भाई अगर आप उस टेबल पे बैठ के, जो खाने की टेबल है, अगर आपका सिलेक्शन बदलता है, वहाँ व्यवहार बदलता है, तो क्लाइमेट चेंज अपने आप बदल जाएगा। क्योंकि जो भी चीज़ें आप कंज्यूम कर रहे हो, उसी से तो नेचर का पैटर्न बदल रहा है, उसी से पैटर्न बदल रहा है। तो अगर मास लेवल पे कोई चीज होने लगती है तो वही तो धर्म बन जाता है। और धर्म है क्या? और जो व्यवहार आपके जीवन में आ रहा है, उस व्यवहार को ही तो धर्म कह रहे हैं आप। अगर वो चरित्र के साथ मिलके आ रहा है तो उसी को आप धर्म कह रहे हो। और धर्म है क्या? तो वो आपकी एक शुरुआत हो जाती है। तो ये महत्वपूर्ण है कि हम देख कहां से रहे हैं चीज। तो उसके लिए ही ये सारी दृष्टियां डेवलप हुई हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेट उसमें क्या हुआ कि जहां से देखना चाहिए वहां तक लोग पहुंच नहीं पा रहे हैं, इंटेलेक्चुअली वो पॉसिबिलिटी है नहीं, इसलिए वो आध्यात्म का उनको सहारा चाहिए। और जिस दिन मनुष्य ये स्वीकार कर लेगा अपने पूरे मन से, कैसे स्वीकार कर लेगा? ज्ञान से ही करे वो, जाते जाते जाते, लेकिन इतना टाइम लग जाता है जब तक इंटेलेक्चुअली आप जाओगे और आप रियलाइज करोगे। बहुत सारे साइंटिस्ट ने रियलाइज किया कि नहीं, अंततः हम भी अज्ञानी हैं, हमें भी पूरा पता नहीं है। जितना जितना पता है उतना ही बताया हमने, लेकिन हमने ये नहीं बताया कि इसके बाद सब समाप्त हो गया, बस दिस इज ऑल द नॉलेज। हमने यही तो कहा कि यहाँ तक मिल गया साइंटिस्ट ने, या नहीं साइंटिस्ट, क्योंकि बहुत सारे आप कॉन्सेप्ट देखो आज तो, जो न्यूटोनियन फिजिक्स है और जो एस्ट्रो फिजिक्स है, उन दोनों में तालमेल नहीं है। अगर एक के साथ काम दोनों कर रहे हैं, उनके भी कॉन्सेप्ट काम कर रहे हैं, इनके भी कॉन्सेप्ट काम कर रहे हैं, दोनों से काम भी हो रहा है, दोनों के इम्प्लीमेंटेशन हो रहे हैं, दोनों से रिसर्च हो रहे हैं, लेकिन आपस में वो कहो तो एक नहीं है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं नेचर में जो उसके लिए काम कर सकती हैं, जिस सब्जेक्ट की वो, जिस स्ट्रीम का वो नॉलेज है, क्योंकि वो मटेरियल नॉलेज है, सो मटेरियलाइज कर रहा है, लेकिन वो पूरा ज्ञान नहीं है। पूरा ज्ञान तो आप खुद हो, मनुष्य खुद वो ज्ञान है, मतलब वो ज्ञान स्वरूप है, इसलिए वो उसको अध्यात्म की ओर जाना पड़ रहा है, क्योंकि वहां पर उसमें द्वैत नहीं रहता। जो उस, इसलिए हमने शुरू में कहा कि उसको कुछ बताने की जरूरत नहीं है। अगर आप इट इज ट्रूथ तो फिर है, बस वो है वो। अगर हम वो सत्य स्वरूप जब हम बन जाते हैं तो फिर हमें धीरे धीरे वो ज्ञान अपने आप खुलना शुरू होता है। फिर किसी के, क्यों बार बार कह रहा हूँ कि बताने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि वो तो खुलना ही शुरू हो जाता है। वेन यू हैव बिकम इट्स प्योर व्हीकल, तो वो जहां से आ रहा है, एक उसमें आपने पाइप डाल दिया तो वो तो आना शुरू हो जाता है। वो किसी को हार्म नहीं करता, वो सबको साथ लेके चलेगा जो ऐसा ज्ञान है। इसलिए ये चीज भारत पे बार बार आती है कि जैसे ही यहाँ पे लोग रियलाइज करते हैं तो उनको लगता है कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो पूरे यूनिवर्स के प्रति है किसी, अब उसको कैसे व्यवहार में कैसे उतारें। इसी के लिए हमें सही उदाहरण और सही संदर्भों की जरूरत होती है। सही कॉन्टेक्स्ट में जितना ज़रूरत है उतना उदाहरण हम प्रस्तुत करें। हमने ये देखा कि रामायण महाभारत के जो उदाहरण हैं या कोई भी, वो इतनी गहराई है उनमें कि आप उसका अंत नहीं खोज सकते, वो अनंत है। एक भी शब्द आप उसको पकड़ लोगे, कोई भी प्रसंग पकड़ लोगे, उसकी गहराई में चलते चले जाओगे तो अल्टीमेटली यू विल गो इन टू ट्रांस मेडिटेशन, आपको चुप हो जाना पड़ेगा। दे आर सो डीप, क्योंकि वो आते जहाँ से हैं वो दृष्टा के द्वारा दिए गए शब्द हैं। हमें क्यों कोई गीता या क्या कोई जो जिसको पसंद हो वो क्यों गहरा लगता है? क्योंकि जिसने लिखा है या बोला है उसने कोई अर्थ तो लिखा नहीं ना उसका, उसने तो वही बोला जो बोला, अर्थ तो हम कर रहे हैं, एंड वो सीधा श्रुति है, वो वहीं से आया है।
जहाँ जो सोर्स है वो, तो आपको सोर्स में ही ले जाएगा अगर आपने सही सही देख लिया तो। आप समाप्त, सोर्स में आप गए, कोई बूंद समुद्र में गई तो बस फिर समुद्र ही हो गई, फिर सम बूंद कहाँ रही वो, तो बूंद क्या बोले उसमें, बूंदपन रहा ही नहीं उसमें। तो वो जो दृष्टि है हमें हमेशा इन चीजों पर, इसलिए वर्तमान समय में कहाँ पे चीज चल रही है तो वो व्यवहार पे ही आएगी घूम करके, ये मैं कह रहा हूं। इस पे आप विचार कीजिए सारे लोग जब भी, कि ऐसा है या नहीं है, और है तो फिर उसको फर्मली करना चाहिए, उससे ही आगे के रास्ते सारा ज्ञान आपका व्यवहार पे आके उतर जाएगा। व्यवहार में आप क्या कर रहे हो, अभी देखो एक घटना और हुई, ऐसे से आप सामान्य जीवन से ले लो, वो धर्म गुरु, बौद्ध धर्म के धर्म गुरु दलाई लामा, उन्होंने किसी मीटिंग में कहीं पे बैठ के, कोई बच्चा आया उसने पूछा कि कैन आई टच यू, ऐसा जो रिपोर्टेड घटना है जितनी मैं जानता हूँ। तो अब एक 80-85 साल के व्यक्ति से उसमें कितना वात्सल्य होगा, सब कुछ होगा, तो उसने कहा हाँ क्यों नहीं क्यों नहीं। बच्चा पास में गया, यू कैन किस मी, उन्होंने बाद में कुछ उन्होंने ऐसा बोल दिया कि जो थोड़ा सा लोगों को लगा कि ये स्टेज पे बोला जाना चाहिए या नहीं। लोगों ने संदेह तो नहीं किया, या किया ये तो लोग जाने उनकी अपनी कैसी मानसिक अवस्था है, उन्होंने ऐसा बोल दिया कि यू कैन सक माई टंग। नाउ तो थोड़े लोगों को लगा कि ये थोड़ा वियर्ड हो गया। तो बात ये है कि ये क्यों लगा लोगों को ये वियर्ड हो गया, क्या हम इतना ज्यादा टेलीविजन पे कुछ ऐसा देख रहे हैं लगातार कि हमें 80-85 साल का आदमी, वो भी धर्म गुरु, स्टेज पे बैठ के, कहीं पब्लिक प्राइवेट में नहीं है अकेले में वो, अगर ऐसा बोल रहा है तो आपने किस लेंस से देखा उसको, क्यों हम ये बात कह रहे हैं। क्योंकि मीडिया में बहुत सारे लोग जो उनको पहले वो करते थे, एंडोर्स करते थे, उन्हीं लोगों ने आलोचना शुरू कर दी। अरे पश्चिम से ही ज़्यादा शुरू हुई, जो पूरा बॉलीवुड ये सब उनको सपोर्ट करते थे, तो उन्होंने तो माफ़ी मांग ली, ही सेड आई एम सॉरी, अगर उसके बच्चे के माँ बाप को कुछ लगा है। सवाल ये है कि क्या वो व्यवहार ठीक था, सवाल ये भी है कि क्या जैसे उस व्यवहार को आप लोगों ने देखा, अर्थात ऑडियंस ने देखा, क्या वो ठीक था। तो ये जो बात होती है, अब यहां आती है, हम क्रिटिसिज्म कर रहे हैं कि आलोचना, आलोचना इसको बोलते हैं, या कि निंदा। निंदा और आलोचना में बड़ा फर्क है। निंदा आप कैसे पता चलेगा कि अब हमारी ये चर्चा है, हम आपस में कर रहे हैं, कोई कहे कि क्या हम निंदा कर रहे हैं, मैं जो कह, आप इन पे टिप्पणी कर रहे हो, निंदा कर रहे हैं कि प्रशंसा कर रहे हैं कि आलोचना कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं। तो जब तक आप यथार्थ तक नहीं पहुंचेंगे, व्यवहार तक, तब तक आपको ये पता ही नहीं चलेगा कि हम क्या कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आप बोलोगे। तो ये जो दृष्टि पाने की जो यात्रा है वो बहुत सावधानी से करनी चाहिए, और तब जबकि, क्योंकि सारी सब जगह जितने भी हम संसार में जो भी कर रहे हैं, सब संबंधों के माध्यम से कर रहे हैं। अगर शुरू के वीडियोज अगर हम आप देखो सहज स्मृति योग के, तो बहुत संबंध पे हमने चर्चा की है कि संबंध की है भाई, आप किसी के प्रति वही व्यक्ति है, वो किस संबंध से देख रहे हो आप। अगर आप मान लो स्टूडेंट है कॉलेज में, आपका ही पुत्र या पुत्री है वो, तो घर आके आपका बिहेवियर दूसरे तरह का होगा, पिता पुत्र या माता पुत्री की तरह जो भी हो, स्कूल में दूसरे तरह का होगा, बच्चा तो वही है। तो संबंध के हिसाब से आप व्यवहार करते हैं। संबंध की एक मर्यादा होती है कि इस व्यवहार, इस संबंध से ये व्यवहार किया जा सकता है। एक उदाहरण और देता हूं, उसी को कई देश में कह रहा हूं, कितनी गहराई है, कितने बार आप उस चीज को दे सकते हो। तो राम को जब वनवास मिला, तो माँ होने के पक्ष से कौशल्या ने एक प्रतिक्रिया की राम को जब वो मिली, तो उन्होंने उनको कहा कि मुझे तुम्हारे बन जाने का कोई दुख नहीं है, बिल्कुल लवलेस, मतलब रंच मात्र भी दुख नहीं है।
तो उन्होंने कहा भी, लेकिन उनके शब्द बड़े बूढ़ हैं। वो कहते हैं कि आपको राज देन कहूं दीन बन, मोहि न दुख लवलेश। राज देने की बात की, अब ये कौन जानता है? तो सुमित्रा वहां कौशल्या वहां बड़ी गहरी बात कर रही है, क्योंकि ये उसके पहले दशरथ ने कौशल्या को ये बोला था कि हम राम को राजगद्दी देने वाले हैं। तो कौशल्या कितनी गहराई से बोल रही है, वो कह रही है संबंध है उनके पास। तो वो कह रही है कि कायदे से आप झूठ तो बोल ही गए, इसमें सब है, इसमें बोला कहीं ना उन्होंने, लेकिन उन शब्दों से आप वो निकाल सकते हो कि आप बोल रहे हो कि कैकेयी को तो आपने वचन दिया, कि क्या मुझे नहीं दिया? मुझे भी तो बोला है ना कल आपने कि हम इसको राज दे रहे हैं। तो बोल, तो माता का हृदय और पिता को क्यों उन्होंने बोला बाद में? वो बोलती है कि जो पितुमात कहियो बन जाना, तव कानन सत अवध समाना। अगर माता पिता दोनों ने कहा है कि वन में जाओ, तब तो तुम्हारे लिए वो 100 अवध के से भी बड़ा है, लेकिन एक अकेले ने कहा होगा तो मैं माँ हूं तुम्हारी, मैं मना कर सकती हूँ मत जाओ। लेकिन वो ये क्यों कह रहे हैं कि ऐसा है? तो क्योंकि वो वहां की माँ के संबंध से बोल रही है, और केकई को भी वो राम की माँ ही समझती है, इसलिए माँ संबंध की मर्यादा रख रही है वो, इसलिए केकई को केकई के शब्दों को महत्व दिया उन्होंने। तो व्यवहार की गहराई कैसे आप ग्रंथों में जाके देखते हैं, जब तक आपके जीवन में आपने यथार्थ नहीं देखा है तब तक आप उन शब्दों की गहराई समझ नहीं पाते। इसलिए हमें किसी की ज़रूरत होती है कि जिसने पूरा वो देखा हो कि इस ये कहाँ तक जाता है, क्या कौन सा संबंध निभाया जा रहा है यहाँ। तो कौशल्या और राम का जो एक बायोलॉजिकल रिलेशनशिप है मदर होने का, उससे कहीं ज्यादा गहरा रिलेशनशिप मदर होने का है, जहां पे केकई तो उनकी बायोलॉजिकल मदर नहीं है उस तरह से देखो आप तो, लेकिन मदर तो है। तो वहां पे केकई और कौशल्या एक है, राम और कौशल्या एक नहीं है, क्योंकि संबंध की मर्यादा रखी जा रही है वहां पे। तो ये जितना भी व्यवहार है वो संबंध पे आधारित है। ये जो बायोलॉजिकली देखना, ये सब देखना, ये गौण हो जाता है, ये छोटा पड़ जाता है। वो कहाँ से आ रहा है? क्योंकि उनको मालूम है कि माँ का और बच्चे का संबंध क्या है, और उसको उसी मर्यादा के साथ निभाने के लिए। तो वो कहती है कि देखो, और भी गहरी बात वो कहती है कि तुम्हें मतलब तुम बिन राम है, तुम बिन भरत है भूपत है प्रजाएं, तो प्रजाएं बहुत क्लेश, तो कि तुम्हारे बिना मुझे नहीं, भरत को प्रॉब्लम होने वाली है। क्लेयर वॉयंस कैसे आती है? क्लेयर वॉयंस जिसको हम बोलते हैं ना, कि कैसे भविष्यवाणी हो जाती है, क्योंकि जब आप सच को पकड़ते हैं, तो ये जितने भी हमारे ग्रंथ हैं वो मैं उनको कहता हूं कि वो मानव हृदय का इतिहास है। इतिहास है वो एक बात है, लेकिन मानव हृदय का इतिहास पक्का है वो। और सत्य कहाँ रहता है? सत्य हृदय में रहता है, वो उसके वो का इसका स्थान है। तो वो बोल देती है कौशल्या, अभी तो ना तो दशरथ मरे हैं ना कुछ भरत, कुछ नहीं ऐसा हुआ। तो वो कहती है कि तुम्हारे बिना, तुम जब जंगल जाओगे तो तुम बिन भरत हैं भूपत हैं प्रजाएं बहुत क्लेश, कि तुम्हारे बिना राजा को बहुत प्रॉब्लम होने वाली है, भरत को प्रॉब्लम होने वाली है, और अयोध्या की जो जनता को प्रॉब्लम होने। यही नहीं, उनकी क्लियर वॉइस लगती है, जितनी बात वो राम से कर रहे हैं पूरा क्लियर वॉइस है। वो बोलती है कि अब जनता का क्या होने वाला है? तो बोलती है कि ये कुछ ऐसा है कि जैसे तुम जो है ना, ये सब जो तुम्हारी अवधि है 14 वर्ष की, वो पानी की तरह है, और ये जो अयोध्या की जनता है वो मछली की तरह है। तो देखने में दोनों तरफ विरोधाभास दिखता है कि तुम मतलब तुम 14 वर्ष के लिए जा रहे हो, तो बिना पानी के मछली तो बिल्कुल नहीं रह पाती। तो ये अर्थ निकलता है कि वो कैसे रहेगी फिर, तो वो तो मर जानी चाहिए। लेकिन वो बात के उनके बड़े गूढ़ हैं, वो कह रहे हैं कि ये तुम जो अवधि दे के जा रहे हो ना वचन, कि 14 वर्ष बाद वापस आ जाऊंगा, उसी पे जीने वाले हैं ये लोग,
और वो बिल्कुल सच बैठता है कि जब वो आने वाले की खबर होती है तो भरत को अगर हनुमान 1 सेकंड भी इधर उधर हो जाए तो सब इधर उधर हो जाने वाला था। तो क्लेयर वॉइंस वहां तक जाती है। तो वो सारा चीज एक तरह से लगता तो रहा है कि बड़ी सामान्य बात कर रहे हैं, लेकिन वो एक तरह से भविष्यवाणी हो जाती है सारी। क्यों? क्योंकि वो मानव हृदय का इतिहास है, मानव हृदय की कहानी है। तो ये जो कहानी है, जो हमेशा नई नई, जितना आप उसको जीते जाते हैं जीवन में, उतना उतना आप सत्य होते जाते हैं, जितना जितना आप सत्य होते जाते हैं उतना उतना वो चली जाती है, और जब अगर आप पूरे सत्य हो गए तो खत्म। इसलिए जीवन का जो वो है, खत्म से मतलब पूर्ण हो गया, पूर्णमदा पूर्णमदा। तो ये जो जितनी भी दृष्टियां हैं इतिहास की, सब कुछ उनको ऐसे देखा जाना चाहिए कि हमारे आज के व्यवहार में वो कितने रिलेवेंट हैं, कैसे रिलेवेंट हैं, सही समय पे सही उदाहरण से सही संदर्भ में देखा जाना चाहिए, तो वो बहुत लाभदायक हैं। और अगर उनको रूढ़ियों की तरह आप देखने लगे तो वही आपके लिए बाधा बन जाती है, उसी से सारे क्लेश खड़े हो जाते हैं। क्योंकि जब आप उनको ऐसे देखोगे तो आप सेक्टेरियन हो जाओगे, क्योंकि फिर आपके लिए आप व्यवहार में क्या होगा कि ना तो सेंसिटिविटी है ना वैल्यू, आपको लगेगा कि वही में जो मैंने शुरू में कहा कि वो वैल्यू फिर आपकी अहंकार और एडमेंसी के रूप में होगी, नहीं, मेरी किताब में तो ये लिखा है मैं तो ऐसे ही करूंगा, दूसरा बोलता है मेरे में नहीं लिखा है, तो लड़ाई हो जाएगी। लेकिन अगर सेंसिटिविटी है तो वो ये देखेंगे कि व्हाट इज रिलेवेंट, आज जरूरत किस चीज की है, तो ऐसे में कैसा, इस जरूरत में कैसा व्यवहार करना चाहिए। तो ये सारा जो कुछ है वो व्यवहार शास्त्र है, जितना भी धर्म शास्त्र है, जो भी है, जितनी इतिहास दृष्टियां हैं, वो सबको मिलके वो सब एक ही चीज पे जा रही हैं कि आज मनुष्य कैसा है। तो पहली चीज तो वो कौन है, फिर उसकी प्राथमिकताएं कि कौन सा उसका पार्ट बदल रहा है, कौन इटर्नल पार्ट है। तो उस पर तो कुछ चर्चा है कि वही नहीं है, मतलब जो इटर्नल है वो तो है, लेकिन जो चेंज होने वाला पार्ट है, हमेशा बदल रहा है, उसी पे हमेशा चर्चा होती है। और वो उसी को संवाद कहते हैं, उसी को उपनिषद कहते हैं, कि हमेशा जो बदलने वाला हिस्सा है उसमें हम कैसे व्यवहार करें। तो ये जो है, तो ऐसे अगर हम देखेंगे हर चीज को वर्तमान में, तो सारी सारी ग्रंथियां खुल जाएंगी, और सारी जगह सारे ग्रंथों में आप पाओगे कि सबने इस तरह अलग अलग हो सकते हैं, कोई यहां तक पहुंचा कोई वहां तक पहुंचा, लेकिन वो यूनिटी आपको अलग अलग नहीं मिलेगी, वो एक ही कि जा सब एक ही डायरेक्शन में रहे थे, कौन कहाँ तक पहुंचा वो वहां, कौन कहाँ रुक गया वो डिफरेंस है। क्योंकि जब तक लोग यहाँ नहीं पहुंचेंगे, इसलिए मैंने शुरू में कहा कि कहाँ जाके लोगों ने देखा, वो इटर्निटी पे जाके रुके कि ये हम हैं, इसके बाद फिर नीचे आना शुरू हो कि क्या हम नहीं हैं, तो वो फिर नेति नेति ये नहीं है हम, ये नहीं है, तो आप फिर वहां पहुंच जाओगे। तो जिन्होंने देखा उन्होंने पाया कि दे ऑल ऑफ अस आर इटर्नल बीइंग। वहां से जब आएंगे तो फिर हम प्रेजेंट में हमें बहुत साफ और शांतिपूर्वक देगा, फिर सारी चीजें दिखने लगेंगी कि ऑर्डर क्या है उनका, क्या प्राथमिकता है आपका। क्योंकि अभी कुछ बोलने से लोग, हालांकि बताया जा सकता है कि भाई सुख प्राथमिकता है, हर चीज में आप मनुष्य सुख देखता है कि सुख है कि नहीं, लेकिन जब क्लैरिटी नहीं है तो लोग का कंफ्यूजन हो जाते, वो कहते हैं कि नहीं हम तो दुख भोगने को तैयार हैं, हमें तो नॉलेज चाहिए, हमें ज्ञान चाहिए, हम जानना चाहते हैं। वो क्योंकि उन्होंने पूरा देखा नहीं है इसलिए बोल रहे हैं। तो जब तक इसलिए डिसएग्रीमेंट्स होते हैं लोगों में, इसलिए हम बात कहते हैं कि ये चार चीजें बहुत रिलेवेंट हो चुकी हैं, होने वाली हैं, रहेंगी। वो चार चीजें जो मैं कहता हूँ कि भरोसा, ट्रस्ट वेरी इंपॉर्टेंट, और दूसरा चीज योग, योग मीन्स यूनियन, तीसरा चाहे उसको आई कहो चाहे यू कहो और चाहे इंडिविजुअल कहो वो, और चौथा गुरु। ये चार चीजों पे संसार अभी भी घूम रहा है, आगे भी घूमने वाला है, इन्हीं के इर्द गिर्द घूम रहा है, क्योंकि रिलेशन जो है वो इन्हीं से प्रभावित होता है, इन्हीं के हिसाब से चलता है। अगर ये लोग आध्यात्मिक दृष्टि की ओर बढ़ जाए लोग,
अपने स्वेच्छा से चुनना शुरू कर दे। क्योंकि चुनने की तो हम बता ही चुके हैं ना, अपन लोग सब चर्चा कर ही चुके हैं कि चुनना सबके बस की बात नहीं है। अनटिल एंड अनटिल यू रीच टू द स्टेट ऑफ सेल्फ यू कैन हार्डली चूज, क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं है कि चुनना है चीज़ क्या है। सो यू आर कैरीड अवे बाई थिंग्स वट एवर ऑल्टरनेटिव यू हैव, वहाँ जाके तो ऑल्टरनेटिव ही नहीं है। तो उसके पहले क्या करें, तो कहा कि टेस्ट तो ठीक करो, कि ठीक चीज़ें खाना, ठीक चीज़ें भोजन के रूप में, चाहे इट इज़ योर फूड फॉर बॉडी हो, फूड फॉर माइंड हो, फूड फॉर सेल्फ हो, सोल हो, जो भी आप समझते हैं। तो वही बात घूम फिर के आ जाती है कि वर्ल्ड बैंक जैसी संस्था को भी बोलना पड़ा कि बिहेवियर तो ठीक करो। तो ऐसे ही जाके सब जगह क्या हो रहा है, सबको आके वही बोलना पड़ेगा बिहेवियर कैसे ठीक होता है। बिहेवियर व्हाट यू चूज उसी से ठीक होगा। भाई चार चीज़ें आपकी टेबल पर रखी हैं खाने के लिए, क्या चूज करते हो, ये सारे चीज़ें आपको किस चीज़ में आपका नहीं अच्छी चीज़ है जो नेचुरली ग्रोन है, पूरी उसकी आपको ट्रस्ट ऑथेंटिसिटी है, उसके बाद बोला महंगी है हम नहीं लेंगे ये। सो जाके आप कहो तो हॉस्पिटल जाके आप नहीं बोलोगे महंगी है, चुपचाप जितना मांगेगा दोगे। कोर्ट में जाके आप नहीं बोलोगे कि कम पैसा देंगे, नहीं, उधर लड़ाई में आप बहुत सारा खर्च कर लोगे। तो टेस्ट बिगाड़ने पे ये चीज़, और टेस्ट कैसे बिगड़ता है, क्योंकि जो स्थापित ज्ञान है और जो तरीका है उसको, व्हाट इज द एस्टैब्लिश्ड नॉलेज और हाउ टू गेन दैट नॉलेज, उस पे पूरे विश्व को एकमत होना चाहिए। इसमें किस लिए डाउट होता है, अगर कोई शिक्षा है, एजुकेशन है, करिकुलम है जो सारी मानवता के लिए है, तो सारी मानवता उस पर फिर एकमत क्यों नहीं होती है, क्यों उसमें रिलीजन्स, नेशंस ये सब बाधा आ रहे हैं। जो देखो आप विडंबना, दिस इज व्हाट वी कॉल आयरनी, दैट थिंग्स विच आर टू फैसिलिटेट, जो चीजें ठीक करने के लिए बनी थी वो हर्डल होती जा रही है। क्योंकि मान लिया कि जो इस किताब में लिखा है, जो मैंने जाना है इस किताब में लिखा है वही ज्ञान है, जो मैंने सीमा बना रखी है वही सीमा है। तो ये चीजें ज्ञान से टूटती हैं, ज्ञान में कोई सीमा नहीं है, वो आपको धीरे धीरे जो भी आप जानते थे कि ये मेरी सीमा है वो सब तोड़ देगा। तो इसकी यशा विद्या या मुक्त क्यों बोला, उसको मुक्त कर देगा सारी चीजों से, आप ये भी सीमा नहीं थी मेरी, मैंने तो झूठी बना रखी थी, कोई सीमा थी ही नहीं, कोई वॉल इस तरह की थी नहीं। तो आप फिर आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर आप तत्काल आप सहमत हो जाएंगे, क्योंकि मति और जिसके ना सहमति और सहमत, मत वोट देने को भी बोलते हैं, बट मति तो इट्स विजडम। तो अगर मति एक जैसी हो गई तो मत अपने आप एक जैसा हो जाएगा। तो ये जो चीज़ है, और मति क्यों ना, विजडम क्यों एक नहीं है, विजडम तो एक होनी चाहिए ना, नहीं तो वो विजडम क्यों कहलाएगी। तो ये जो वहाँ तक पहुँचने की यात्रा है वो एजुकेशन के थ्रू जाती है, सही एजुकेशन। तो वो हर जगह कहाँ से आप हम उसको देखना शुरू करें जीवन में, तो सबको घूम फिरा के लग लेते कि व्यवहार व्यवहार व्यवहार, बट एवरी मोमेंट इफ यू आर वॉचफुल, जहाँ से कि ठीक है अभी मेरे पास इतना ही ज्ञान है, इस ज्ञान के अनुसार मैं क्या व्यवहार चुन सकता हूँ इस परिस्थिति में, चुनो, एग्जीक्यूट करो, एग्जीक्यूट करोगे तो उससे अगला स्टेप बढ़ेगा और आपको क्लैरिटी आएगी। तो हमेशा हर चीज़ दृष्टि क्यों चाहिए होती, क्योंकि अगेन वही चीज़ कि आपको क्लैरिटी चाहिए उस समय कि जो मैं कर रहा हूँ आई शुड बी वेरी कॉन्फिडेंट एंड क्लियर कि हाँ ये अनुकरणीय है, यही करना चाहिए, ज्ञानवान आदमी यही करेगा, तो वो दृष्टि आती। इसलिए सारे ज्ञान का यही होता है कि हर समय एक मनुष्य को सिक्योर दृष्टि चाहिए होती है, वो डिमांड है, अपोजिट्स में डिमांड है हमारी, जहाँ इनसिक्योरिटी हमें सिक्योरिटी चाहिए, जहाँ दुख है हमें सुख चाहिए। संसार तो सारा द्वैतों से बना है, लेकिन आध्यात्मिक लोगों ने ये कहा कि नहीं नहीं जरूर द्वैत से बना है, जरूर देयर आर डायलेक्ट्स, बट अगर तुम एक सर्टेन वे फॉलो करते हो तो धीरे धीरे तुम्हारे ये दुख वाला पार्ट कम होता चला जाएगा
और सुख वाला पार्ट बढ़ता चला जाएगा। मीन्स तुम द्वैत को पार करके अद्वैत में पहुंच जाओगे, तो तुम्हें संसार धीरे 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 व्यापना खत्म हो जाएगा। यू विल बी इन द वर्ल्ड बट वर्ल्ड नॉट बी देयर फॉर यू। अब फिर वो मुक्ता होते जाएंगे जितने जितने ज्यादा। तो ये इसका वो है, निचोड़ है कि हमें ऐसे निरंतर निरंतर संवाद में रहना चाहिए और निरंतर उस चीज को एप्लीकेशन में लाना चाहिए जो हो रहा है व्यवहार में, तो हम हमेशा संसार में होते हुए भी इससे हर क्षण मुक्त रहेंगे। ये साधना है, मुक्त रहेंगे तो मुक्ति है फिर ऐसा है।